नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं एक और मिनी व्लॉग लेके आ गई हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं आसानसोल घाघरमूरी माता के मंदिर। तो हम लोग, मैं और दीदी सवेरे उठ गए हैं। आज का वेदर अभी तक तो ठीक ही लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि पिछले रात बहुत बारिश हुई है यहाँ पे दुर्गापुर में। तो अभी तो थोड़ा थोड़ा ठंड भी है, लेकिन जब पहुँचेंगे तब तक वेदर कैसा रहेगा वो पता नहीं। तो फ्रेंड्स, आई एम ऑलरेडी पुट माई मेकअप ऑन एंड आई एम रेडी टू वेयर माई ड्रेस। अभी हम लोग आ गए हैं सिटी सेंटर बस स्टॉपेज। हम बस में चढ़ भी गए हैं, हम लोगों ने यहाँ पे SBSTC बस पे चढ़ गए हैं। और हम लोगों का जो स्टॉपेज है वो है आसानसोल काली पहाड़ी स्टॉपेज। तो हम लोग यहाँ पे उतर गए हैं काली पहाड़ी स्टॉपेज में। यहाँ पे बहुत सारे टोटो ऑटो खड़े हुए हैं। यहाँ से आप लोग रिजर्व कर भी जा सकते हैं और शेयर में भी जा सकते हैं। शेयर करके जाने में पर है 10 रुपीज़ करके लग रहा है, क्योंकि हम लोगों को रोड के उस पार जाना है, जो बाईपास जो रोड है आसानसोल का, धनबाद जाने वाला जो बाईपास रोड है, माता की मंदिर उस तरफ है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं। हमारे साथ और एक फैमिली भी जा रहे हैं और साथ में एक बकरी भी है पूजा के लिए। छोटी बच्ची भी है साथ में। ये एंट्रेंस है घाघरबूढ़ी माता के मंदिर। हम लोग पहुंच गए हैं घाघरबूढ़ी माता के मंदिर और यहाँ पे एक दुकान के सामने हम लोग ने अपने शूज उतार के रखे हैं और यहाँ से हम लोग ने डाला ले लिया है। सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे अवेलेबल है पूजा के लिए, जो भी चीज़ें आप लोगों को चाहिए। তরুণটা পরে আবার তুলবো। এখানে প্রচুর দোকান রয়েছে দু সাইডে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ
यहाँ पे और भी छोटे छोटे कुछ मंदिर है, जैसे शिव मंदिर है, राम सीता मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है, तो वो हम लोग बाद में जाएंगे। पहले हम लाइन पे खड़े हो जाते हैं क्योंकि लाइन लग चुकी है, लंबी लाइन है, लेकिन एक साथ में बहुत लोगों को 20-25 लोगों को एक साथ में इंटर करवा रहे हैं पूजा के लिए, तो जल्दी जल्दी भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने पूछा तो पंडित जी को, ये जो मंदिर है ये सवेरे 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ओपन रहता है हर दिन। यहाँ की पूजा की जो व्यवस्था ये बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे 20-25 जन को एक साथ पे इंटर किया जा रहा है और जो नाम लिखा जा रहा है पूजा की थाली में, उस सभी नाम को एक सभी नामों को पढ़ के यहाँ पे पूजा करवाया जा रहा है और पुष्पांजलि करवाया जा रहा है सभी को। तो यहाँ पे व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत से मंदिरों में क्या होता है कि आप सिर्फ डाला दे दो, पूजा करवा देते हैं नाम पकड़ के, लेकिन पुष्पांजलि की कोई व्यवस्था नहीं होती है, पर लेकिन यहाँ पे पुष्पांजलि की व्यवस्था पूरी है। हम लोगों की पूजा हो गई है, अभी हम लोग आसपास थोड़ा सा देख रहे हैं मंदिर को। यहाँ पे बलि भी हो रही है, लेकिन साइड पे बलि की जगह है। यहाँ पे तो पहले कुछ गांव ही थे, तो मान्यता है कि कांगली चरण चक्रवर्ती नाम के एक ब्राह्मण ये आसपास के गांव में जजमानी करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनके जजमानी करने के लिए कुछ नहीं मिला, तो वो बहुत ही हताश होकर एक पेड़ के नीचे वो सो पड़े और चिंतित थे बहुत ही। तो सपने में उन्होंने देखा एक घाघरा पहने हुए बूढ़ी महिला उनके पास आई और उन्होंने कहा, मुझे कोई आज से तुझे चिंता करने की कोई आवश्यक नहीं है, तेरी गोद में मैं 3 पत्थर रखे जा रही हूँ, उसमें बीच में मैं हूँ माँ घाघरबूढ़ी माँ चंडी, और बाएं ओर है माँ अन्नपूर्णा और दाएं ओर है पंचानन महादेव का, तो ये 3 पत्थर तू प्रतिष्ठा कर, इसकी पूजा कर, तुझे और चिंता करने की कोई आवश्यक नहीं होगी। तो उसी दिन से पूजा यहाँ पे स्टार्ट हुआ। पहले तो एक पेड़ के नीचे ही पूजा स्टार्ट किया गया, फिर इनकी जागरूकता के होने लगे आसपास के गांव में, लोगों द्वारा महत्व प्रचार होना शुरू हो गया चारों ओर। फिर धीरे धीरे ये मंदिर बड़ी बनाए गए, किसी बहुत ही मंदिर बड़ा होता गया। यहाँ पे नल भी है, साइड में एक आश्रम जैसा भी है, लेकिन हम लोग वहाँ पर नहीं गए हैं। आज बहुत धूप है, बहुत ही गर्मी लग रही है हम लोगों को। ये बलि की जगह है, तो यहाँ पे बलि हुआ, हम लोग नहीं जाएंगे उस तरफ। इससे पहले हम लोग सिर्फ एक ही बार आए, तो इतना बहुत खाली खाली था इधर, और आसपास भी बहुत इतने दुकान भी नहीं थे। और ये है शिव मंदिर, रे
और ये है राम सीता मंदिर। पास ही में है, साइड पे ही है बजरंगबली जी का मंदिर। जो नूनिया नदी है इसके पीछे, वहाँ पर जाना तो गेट बंद है तो हम लोग वहाँ पे नहीं जा पाए, क्योंकि ये मंदिर जो है घाघर बूढ़ी माता का मंदिर, ये नूनिया नदी की पास ही में है, पीछे ही नूनिया नदी बह रही है। हम लोगों को तो इच्छा थी कि आसपास थोड़े से घूम के दिखाएंगे, लेकिन बहुत गर्मी है, हम लोग घूम नहीं पाएंगे, बहुत धूप है आज, बहुत ही गर्मी है। तो फ्रेंड्स, अभी तो हम लोगों ने पूजा कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे ये बहुत सारे खाने के स्टॉल भी लगे हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया। फिर हम लोग अभी घर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो जो है घाघर बूढ़ी माता का मंदिर, आप लोगों को ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय।